ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में जीवन दान वॉलेंटियर ब्लड सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। भैंसा डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर दामोदर रेड्डी, डॉक्टर एम रामकृष्ण गौड़, डॉक्टर अनिल जाधव और डॉक्टर कुमार यादव ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने डॉक्टर्स और सेंटर के जिम्मेदारान से बात करते हुए सेंटर की खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की। नाज़रीन आदाब, जैसा कि आपको जानकर खुशी होगी कि भैंसा शहर में ब्लड काम की जो लोग आम आदमी कोशिश में थे, फिक्र में थे, आज वो काम डॉक्टरों की जानिब से कम्प्लीट हो गया। आइए, आपको बहुत खुशी की बात है कि आज भैंसा शहर में ब्लड कैंप का जो ओपनिंग हुआ है, सारे हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है और भैंसे के सीनियर डॉक्टर डॉक्टर डामाडी सर, उनसे तफसील में बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि पब्लिक को क्या मैसेज देंगे। और क्योंकि ये पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छी खुशी की बात है जो तमाम डॉक्टरों ने मिलकर और हमारे अयूब खान जो लगातार जो दो साल से ब्लड की मेहनत कर रहे, जो दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप के साथ जो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे, वो तारीफ के काबिल मेहनत है। ऐसे ही आज ओपनिंग हुई है, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर डामाडी साहब, उनसे तफसील में बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार पब्लिक को क्या मैसेज देंगे। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर, बताइए सर, जो पब्लिक को उम्मीद थी, एक आशा थी, कई दिनों से कई सालों से सोच रहे थे कि भैंसे में ब्लड कैंप की ओपनिंग हो और विलेज के तमाम लोग जो सोच रहे थे कि भैंसे में ब्लड नहीं मिलता, निजामबाद जाना पड़ता, उसके लिए निर्मल जाना पड़ता, ये काफ़ी अच्छे मेहनत करे आप लोग तमाम डॉक्टर्स, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ब्लड बैंक जो यहाँ ओपन और अपन ब्लड डोनर्स, अगर ब्लड डोनर्स के बारे में अगर बात करें तो अपन आगे में है पैसे वाले बहुत साल से। जी सर, 15 साल से ज़्यादा टाइम हो अपने पास ब्लड डोनेशन देने के लिए तैयार होते। जी सर, और अपन निर्मल से भी आगे डोनेशन में। जी सर, और ऐसे इसमें बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। जी सर, अपने पास मुस्लिम कम्युनिटी में हो, हिंदी कम्युनिटी में हो, कोई रात में कभी भी बुलाए तो आके अपने पास ब्लड लेने को तैयार है। तो ये ब्लड बैंक वालों की ये खुशी की बात है कि वो लोग जो मेहनत करके ब्लड बैंक लगाए, अपना पास डोनर्स का कमी नहीं है। मगर ये बात नहीं है कि भाई अपने पास करो, अल्लाह का पूजा करो, जितना सवाब मिलता उतना सवाब एक आदमी बचाने में मिलता, अब वो बचाना ब्लड जरूरी तो देने का। तो मैं पूरे कॉन्शियस लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने हेल्थी इंडिविजुअल हम करके लेते ब्लड डोनेशन करने के लिए तैयार रहना। और ये भी बात सही है कि आप डोनेशन ले तो विद इन 1 वीक में ब्लड आ जाता, और 3 महीने से पहले 6 महीने से पहले हम नहीं लेते। और कोई हिंदी इंडिविजुअल है, यंग इंडिविजुअल है, उन लोगों को देने में कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। हिंदी युद्ध जो है काफ़ी जो 2-3 साल से जो काफ़ी मेहनत कर रहे, आधी रात हो या दिन हो, फिर पेशेंट को अगर मुसीबत का सामना ब्लड की जरूरत पड़े तो अयूब साहब अर्जेंट उसके उसको ब्लड का इंतजाम कर रहे और उसमें हिंदू मुस्लिम सब शामिल है सर, हमेशा मिल के रहेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं तो ये हमेशा बोलते आ रहा हूँ। जी सर, भाई जब दंगा होता तो ऐसे डांटते, मगर बाद में तो मिल के रहना पड़ता अपने, किधर भाग नहीं सकते, और कोई भी कम्युनिटी का बंदो भाई से छोड़ के जा ही नहीं सकता। जी सर, तो अपन मिल के रहना, जब ब्लड दे रहे हैं आप तो ब्लड जीवन दान दे रहे हैं, तो दंगे में कोई मतलब नहीं है। बोलते मैं तो पहले से बोलते आ रहा हूँ, 20 साल से बोलते आ रहा हूँ, 40 साल से बोलते आ रहा हूँ, इसमें बोलने की चीज़ नहीं है। सिर्फ चंद लोगों से नहीं होता, मगर अक्सर अपने पास 90% लोग कोई भी कम्युनिटी का बंदो देर आर फ्रेंडली, और मैं समझता हूँ मेरे को तो इतना सपोर्ट दिए लोग। जी सर, मैं भूल नहीं सकता। जी सर, और सर आपसे एक सवाल है, जो तमाम भैंसे के लोग जैसा कि आपका नाम सुने, एक जैसा आपका नाम सुने पब्लिक की आधी बीमारी कम हो जाती है, हम फलाने दामाजी साहब के पास जा रहे भैंसे के सीनियर डॉक्टर से, मगर सर इस बार सर आप पब्लिक को मैसेज दीजिए, जैसा कि आप जानते कि इस बार भैंसे हर जगह मशहूर हो गया भैंसे में कि हिंदू मुस्लिम फसाद में नंबर एक है, हिंदू मुस्लिम फसाद में पहले आगे जाता, मगर यहाँ पर फीलिंग नहीं है, हर लोग मिलके है और डॉक्टरों का भी इसमें काफ़ी अच्छा काम रहा है, जो हर कास्ट को एक इंसानियत के नाते देख के उन्होंने इलाज करते, यहाँ फीलिंग नहीं है, डॉक्टरों के बारे में कुछ कहेंगे सर? नहीं, अभी जो यंग जनरेशन डॉक्टर्स है ये सब मेहनत करके आए थे लोग हैं। जी, ये प्रॉब्लम है तो उन लोग नहीं जाते, और कभी भी ज़रूरी है तो कोई भी कम्युनिटी का जो तैयार है, हमारे डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी डॉक्टर हो, उन्होंने तो कभी भी कोई पेशेंट को रिफ्यूज नहीं करेगा मदद के बारे में देखें, और कंपल्सरी उन्होंने जो जरूरी है वो ट्रीटमेंट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, ये थे हमारे डॉक्टर साहब।
जो काफी अच्छा आपको मैसेज दिए और ये बताने की कोशिश करे कि भैंसे में फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है। ये चंद लोग हैं जो अपने मजहब को अपने जात को बदनाम करते हैं, उस फीलिंग पे मत जाइए। और यहाँ पे डॉक्टर इतने अच्छे हैं, हर चीज का इलाज यहाँ पे होता, ये सोच। और तमाम मैं विलेज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भैंसे में जो डॉक्टर है काफी अच्छे डॉक्टर है, और आधी रात को आप कॉल करें वो आपके सामने आ जाएंगे, आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरा हल करेंगे। और हमारे भैंसे में ऐसे भी डॉक्टर जो सीनियर डामाडी साहब भी मौजूद है, जो अपने भैंसे में गरीब लोगों को देखकर उनको देखकर फीस लिया जाता। मगर यहाँ कोई फीस का टारगेट नहीं है कि फलानी फीस हमें इतनी चाहिए, उसका फीस नहीं है। और आप जी एक वो नहीं है, और हमारे डॉक्टर काफी अच्छी मेहनत करते, गरीब लोगों को भी वही नजर से देखते, बड़े लोगों को भी वही नजर से देखते। हमारे भैंसा एक तारीफ है, काबिल मुकाम है, जो अपना खुशकिस्मत है जो अपने डॉक्टर ऐसे मौजूद है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज भैंसा। हिदाया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज वन ऑफ द इमर्जिंग ब्रांड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हैज नाउ एस्टैब्लिश्ड हिदाया डिग्री कॉलेज ऑफरिंग कोर्सेज बीबीए, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up. Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehendipatnam, Hyderabad.